7.97 लाख की हुई थी, वो भी आपको बताया जा चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रगति होगी आपको बताएंगे। अभी आपके जो भी प्रश्न हो उनको मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सर, सीआई साहब की कितनी भूमिका रही थी जो सीआईडी सीबी में जो तैनात है राजेंद्र यादव साहब, उसके कितनी भूमिका थी और क्या अब तक ये पता चल पाया है कि जो सौदा हो रहा था टोटल इस पूरे प्रकरण में कितना क्या क्या किस तरीके से बैठा सिंह हो? भर्ती बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों के लिए कहा, एक प्रपत्र सी है कि ये इन अधिकारियों की देखरेख में सारी कार्रवाई होगी। प्रपत्र सी पे 5 लोगों के साइन हैं, जिसमें आप जिनका नाम ले रहे हैं ये राजेंद्र प्रसाद जी पुलिस निरीक्षक, इनका भी नाम है, इन्होंने साइन किए हैं, लेकिन जो वीडियो फुटेज है उसमें ये कहीं उपलब्ध नहीं है, ये उनकी भूमिका है। फिर से कहूँगा, जिन लोगों ने उस प्रपत्र पे साइन किए हैं वो एक भी व्यक्ति उस वीडियो में नहीं है, जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की है उसके किसी के साइन नहीं है उसमें, समझ पाए? वापस बोलता हूँ, भर्ती बोर्ड ने कहा कि ये परीक्षा प्रश्न पत्र खोलने की जो कार्रवाई है ये उसके लिए उन्होंने नियत किया कि ये लोग होंगे जिनकी उपस्थिति में ये सब कार्रवाई होगी, जैसे केंद्र अधीक्षक शालू शर्मा, आपके टीसीएस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर आपके जो इंस्पेक्टर हैं और एक आपके यहाँ के जो वीक्षक हैं, 2 वीक्षक जो इस केंद्र के होंगे, तो 5 लोगों को इसमें साइन करने थे। अब ये 5 लोग जिन्होंने उस प्रपत्र पे साइन करके और वो जब वापस भर्ती बोर्ड के पास अपनी प्रोसीडिंग्स भेजते हैं, उस प्रोसीडिंग्स में जिन 5 लोगों के साइन हैं वो लोग, हमने जो इसका सीसीटीवी फुटेज देखा है उसमें इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान ये 5ों लोग उपस्थित नहीं हैं, और जो ये सारा कर रहे हैं खोलने का काम और वो जो लोग कर रहे हैं उनका कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि वो अधिकृत थे ही नहीं जिन्होंने ये काम किया है, समझ गए? इसका मतलब तो क्लियर कट गया है सर कि इन लोगों ने ही उन लोगों को अलाउ किया था। बिल्कुल, यही बिल्कुल आपने सही समझा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि ये एक संगठन के मार्फत हुआ है, ये इनका सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश है।